मैं बहुत हेल्दी पूरी बनाने जा रही हूँ, जो बच्चे अपने स्कूल टिफिन में ले जा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, जो बहुत ही हेल्दी है पूरी। इसके लिए मैंने आटा लिया है एक बड़े कप, इस कप से गेहूं का आटा है, और 3 टेबल स्पून हमने सूजी लिया है। दोनों को मैं मिक्स कर लूंगी। थ्री टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डालूंगी। इसे पूरी बहुत अच्छा बनेगा, खस्ता बनेगा, और इसे मिक्स करूंगी। ये बहुत ही हेल्दी पूरी होता है और बहुत टेस्टी होता है। बच्चे बहुत खुश होंगे ये पूरी खा के, आपसे बार बार कहेंगे ये पूरी बनाने के लिए। ये देखने में भी बहुत ही अच्छा दिखेगा और खाने में भी बहुत अच्छा होगा। ज़्यादा नहीं मलना है बस। मैं आटे में 3 टेबल स्पून शहद है, मैं शुगर नहीं डाल रही हूँ, शहद डाल रही हूँ। इससे मीठा होगा, जो बहुत पसंद आएगा बच्चों को, और ये बहुत ही हेल्दी भी है शहद। ये बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें ऑलिव ऑयल और शहद डाला है। मैं इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाल दूंगी और सारे सामान को मिक्स कर लूंगी। और नीम गर्म पानी से आटा गूंथ लूंगी। बहुत टाइट नहीं गूंदना है, सॉफ्ट ही रहेगा आटा। मैंने आटे का सॉफ्ट डो बनाया है। मैंने ऐसा सॉफ्ट डो बनाया है, आप देख सकते हैं, बहुत हार्ड नहीं है, टाइट नहीं है आटा। मैं इसे कवर करके रख दूंगी 10-15 मिनट के लिए। मैंने एक चुकंदर लिया है, बीटरूट है, इसको मैंने काट लिया है, छील के हमने काट लिया है। इस बीटरूट को मैं ग्राइंड कर लूँगी क्योंकि इसका जूस चाहिए मुझे। जी बीटरूट, उसका हमने जूस निकाल लिया है ग्राइंड करके और छान लिया है। मैं इसमें 1 टीस्पून आटा डालूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। यह भी बहुत हेल्दी है बीटरूट। बीटरूट छानने के बाद से जो निकला है उसको आप चाहें तो रोटी में डाल सकते हैं, बच्चों के पूरी में मिला के बना सकते हैं पूरी। आटा को हमने गूंथ के रख दिया था 15 मिनट के लिए। मैं इसका छोटा छोटा सा लोई बनाऊंगी पूरी के जैसा। नॉर्मली हम लोग जैसा पूरी बनाते हैं उस तरीके का छोटा छोटा सा लोई बना लूंगी। पहले लोई बना के रख लेना है। इस तरीके से, इस तरीके का छेदा छेदा वाला बर्तन लेकर के इसको मैं ग्रीस कर लूंगी, फिर इसके ऊपर रख के इस तरीके से प्रेस करते हुए फैला लूंगी। फिर इसे बेल लूंगी। मैंने दूसरे साइड से इस तरीके से पलट के इस पे ब्रश से लगा लूंगी कलर। कलर नहीं, वही बीटरूट का जूस पूरी में लगा लेना है। और फिर इस साइड से इसको निकाल लूंगी इस तरीके से। पूरी को बेलने के बाद से अंदर से मैंने बीटरूट को लगाया है और फिर इस तरीके से उठा लिया है। ऐसे ही और भी पूरी सब में लगा लूंगी।
बेल के इस तरीके से बीटरूट लगा लूँगी। इसी तरीके से मैं एक और दिखा रही हूँ, इस तरीके से फैला लूँगी और फिर इसे बेलन से बराबर कर लूँगी। मैं एक दूसरा दिखा रही हूँ, मैंने इसे बेल लिया है पूरी को इस तरीके से और इसको इस तरीके से पलट लूँगी और फिर इसमें बीटरूट का जूस लगा लूँगी। फिर इसे इसी तरीके से हल्का हल्का सा साइड से निकालते हुए उठा लूँगी। इसी तरीके से और भी पूरी बेलूँगी। मैंने दो पूरी बेल के दिखाया है आपको, आप इसी तरीके से बनाएं। और अब मैं इसे फ्राई करूँगी। मैंने ऑयल को गर्म किया है, मैं एक पूरी उठाऊँगी और ऑयल में फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। और मैं इसे फ्राई कर लूँगी। इस तरीके से फूली फूली पूरियाँ फ्राई कर लूँगी। इसी तरीके से और भी पूरी को फ्राई करूंगी। आप देख सकते हैं कैसा फूला फूला सा पूरी बन रहा है। इसी तरीके से पूरियों को फ्राई कर लूंगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी पूरियों को फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एकदम मैजिकल पूरियां बनके तैयार हुई हैं बच्चों के लिए। बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे। आप लोग इस तरीके से उन लोगों को टिफ़िन बॉक्स के लिए और ब्रेकफास्ट में बनाएं। ये बहुत टेस्टी हैं और देखने में एकदम मैजिकल हैं। बच्चे बहुत खुश होंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।